सोलन भाजपा विधानसभा मंडल की विधानसभा चुनावों को लेकर समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता शिमला संसदीय क्षेत्र के सांसद वीरेंद्र कश्यप ने की। बैठक में सोलन विधानसभा क्षेत्र के सभी 122 बूथों से भाजपा के बूथ अध्यक्ष, बूथ पालक एवं बीएलओ ने भाग लिया। बैठक के दौरान सभी कार्यकर्ताओं ने अपने अपने बूथों की रिपोर्ट पेश की। बैठक में यह अनुमान लगाया गया कि भाजपा सोलन में बहुमत से विजय प्राप्त कर रही है और यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि भाजपा 5,000 के करीब वोटों से विजय रहेगी। सांसद वीरेंद्र कश्यप ने सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आज चुनावों को लेकर समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि सभी भाजपा कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत करके भाजपा को विजय बनाने में अपना सहयोग किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में चल रही भाजपा की लहर का असर भी सोलन में देखने को मिल रहा है और सोलन में भाजपा कम से कम 5,000 वोटों से विजय होगी। अभी हाल ही में प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए हैं और हर मंडल में अपनी अपनी समीक्षाएं हो रही हैं। आज ये सोलन जो विधानसभा क्षेत्र का हमारा मंडल है उसकी समीक्षा हो रही है और इस समीक्षा के दौरान जो है वो हम हर बूथ से, जो यहां पर 122 बूथ हैं, उसकी समीक्षा जो है हमने की है। और इस समीक्षा के दौरान जो उत्साह हमारे वहां के बूथ अध्यक्ष, बूथ पालक और बीएलए, बूथ लेवल एजेंट जो थे, उन तीनों की ये बैठक आज आयोजन उनका हुआ है। और बूथ लेवल पर जो पिछले दो दिनों से कार्यकर्ताओं ने समीक्षा की है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि सोलन निर्वाचन क्षेत्र बहुत अच्छे मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और ये मार्जिन 5,000 से ऊपर भी हो सकता है।